आप देख रहे हैं न्यूज फॉर बिहार और मैं हूं चंदन कुमार चंचल। बुलेटिन का वक्त हो चुका है। 1 मई से बिहार सरकार 18 प्लस वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही थी, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से 18 प्लस किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगाया गया। वही 2 मई की बैठक में नीतीश सरकार ने पत्रकारों को प्रथम श्रेणी में रहकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही। वही दूसरी तरफ बिहार में कोरोना का संक्रमण इतने तेजी से बढ़ रहा है कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। खबरों के मुताबिक माने तो लोग मास्क का प्रयोग करना बहुत ही कम कर दिया है। यही कारण है कि संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सारण जिला की बात करें तो ऐसे ऐसे लोगों का कोरोना से मौत हुआ है जो दूसरे की जिंदगी देते हैं। सारण जिलाधिकारी आदेशानुसार रविवार सोमवार को जिला के सभी दुकान बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दुकान भी खोलने का भी साथ साथ आदेश जारी किया है, जैसे मेडिकल दुकान, किराना दुकान, सुधा दूध का दुकान भी खोलने का आदेश जारी किया है। वही साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करने का भी आदेश दिया है, सलाह दिया है। आगे उन्होंने बताया है कि 2 गज की दूरी सभी जगह अनिवार्य है, जैसे मेडिकल दुकान, किराना दुकान, अगर आप दवा लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। वही हमारे न्यूज फॉर बिहार न्यूज चैनल बार बार आप लोग से आग्रह कर रहा है कि विदाउट काम घर से बाहर ना निकले और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रहने दें। तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर बिहार।